फ्रेंड, गुड इवनिंग फ्रेंड। भोली ऑफिशियल में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो बनाते बनाते अभी देखिए बज गए हैं 6:30 और हो गया अंधेरा। और आज मैं बनाने वाली हूँ करेले का अचार। तो करेले का अचार और करेले की सब्जी जिसको पसंद होगा वो हमारी वीडियो में ज़रूर आइएगा, देखिएगा कैसे मैं करेले का अचार बनाती हूँ, जो बहुत ही ईजी तरीके से बना लेती हूँ और सालों साल तक उससे रिस्टोर करके रखिए, ऐसे ही बिना फ्रिज के ख़राब नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, करेली को हमने खड़ा करेली बाजार से लाया था, तो उसे धो के और थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए धूप में सुखा दिया था, उसके बाद काट लिया था और इसे 10 मिनट धूप में सुखा दिया था। अभी मैं तेल कढ़ाई में डाल के तेल को अच्छे से गर्म कर ली हूँ और यहाँ पे मैं तेल में डाल के करेली को मतलब गोल गोल शेप में काट ली हूँ, आप देख सकते हैं। तो और इसे मैं कढ़ाई में डाल के अभी पूड़ी के जैसे तलूंगी, थोड़ा सा गोल्डन सुनहरा कलर होने तक इसे ऐसे तलते रहेंगे, थोड़ा यानी कि पक जाना चाहिए करेली और गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए, थोड़ा कलर इसका चेंज हो जाना चाहिए, तब तक हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ये तल सा गया है हमारा करेली। और एक करेली का अचार फ्रेंड बहुत ही टेस्टी होता है, साथ ही हेल्दी भी होता है और इसमें मसाला भी हेल्दी वाला ही पड़ता है, ज़्यादा मतलब फालतू का मसाला इसमें पड़ता नहीं, इसलिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी साथ ही हेल्दी रहता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेली तल गया है और मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूँ, ये देखिए, और इसमें सारा तेल बाहर निकल जाता है इसलिए मैं इस छन्नी में रख दी हूँ। और इसी तरह मैं सारे करेली को मतलब तल लूँगी, छान लूँगी। फाइनली मैंने 2 से 3 बार तक इसमें तेल में डाल के इसे तला है, मतलब आधा किलो से ज़्यादा थोड़ी करेली थी मेरी, तो इसको 2-3 बार में तल लिया है सारा करेली को। तो चलिए आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ, मैं इसमें और क्या क्या डालती हूँ और कैसे इसे अचार बनाती हूँ। कोई कोई खड़ा करेली का अचार बनाता है बट ये सब्जी वाला अचार है फ्रेंड, तो ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखिए अब हो गया ख़त्म, ये दूसरा बार डाली थी और ये तीसरा बार तल ली हूँ। अरे यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने सरसों लिया था 1 छटाक और मेथी 1 छटाक और जीरा 1 बड़ा चम्मच और अजवाइन खाने का 1 बड़ा चम्मच और मेथी, तो बताइए आपको मेथी और सरसों काला भून ली हूँ और जीरा खाने का अजवाइन और सौंफ कच्चा ही डाली हूँ इसमें 3 चीज़। और इस इन सारे चीज़ों को अब मैं मिक्सर में पीस लूँगी। याद रखे फ्रेंड, मैंने इसमें सरसों और मेथी को भून के डाली हूँ और जीरा और अजवाइन और सौंफ मतलब बिना भूने डाली हूँ। तो चलिए हम इसे मिक्सर में दरदरा पीस के निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी हमारा ये जो है ना मिक्सर हमारा ख़राब हो गया है, तो दूसरे के पास पीसूँगी। तो यहाँ पे देखिए, तब तक हम लहसुन इसमें जितना ज़्यादा डालेंगे ना उतना ही टेस्टी बनता है अचार, बट अभी लहसुन महंगा है ना इसलिए मैंने थोड़ा डाल रही हूँ इसमें। तो लहसुन को अच्छी तरह से छिलका निकाल लें, मतलब छील लें इसे, तभी इसको डालें लहसुन को। यहाँ पे देखिए हमने सारे छिलके लहसुन का निकाल ली हूँ और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये मसाला भी पीस के निकाल ली हूँ। और मैं तेल में जो तेल था ना कढ़ाई में जो तेल था ना उसे मैं बाहर कटोरी में प्लेट में निकाल ली हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये डाल रही हूँ मैं मसाला, हाँ ये देखिए। और ये क्या डाली हूँ फ्रेंड, मैं लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ और इसके ऊपर ये देखिए करेली को डाल दूंगी और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी इसमें, अपने खाने के हिसाब से डाल सकते हैं बट अचार में थोड़ा नमक तेज रहता है तो ही अचार अच्छा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैं 2 चीज़ और डाली हूँ जो कि आपको बताती हूँ। ये देखिए हींग, ये है हींग की डिब्बी, तो हींग भी अगर ज़्यादा भी डाल दिए ना तो टेस्ट बढ़ जाता है, ख़राब होने की संभावना नहीं रहती है और पेट के लिए अच्छा भी है हींग, इसलिए हमने हींग डाला है इसमें 1 चम्मच छोटा चम्मच। और लहसुन को मैं बारीक दरदरा कूट लूँगी और फिर इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए
खोल बट्टे में हमने रख के और इसे लहसुन को कूट ली हूँ। आप चाहे तो दरदरा मिक्सर में भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये खटाई है, आम की खटाई, मतलब आमचूर पाउडर है, ये डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा चम्मच मैंने डाला है आमचूर पाउडर, और अब मैं इसे लहसुन डाल दूंगी इसमें। ये देखिए सारा लहसुन मैं इसमें मिला दी हूँ। और चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो पलटे से भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, कर ले मतलब कर सकते हैं। और इसमें देखिए फ्रेंड, जो तेल बचा था ना तलने के बाद, वही तेल मैं डाल दी हूँ। और ये देखिए मैं इसे मिला रही हूँ पलटा के सहारा से। आप चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं। और इसमें देखिए एक चम्मच हल्दी भी डाला है मैंने, बट आप हल्दी कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट हल्दी डालने से थोड़ा इसका मतलब लुक अच्छा दिखता है ना, इसलिए हल्दी डाल दिया है इसमें। और ये देखिए सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं, चाहे तो पलटे से भी मिला सकते हैं। हाथ से मिलाएंगे तो और अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हमारा अचार में सब कुछ मिल गया है, जो जो डालना था हमने डाल दिया है। हम इस अचार को पहले भी बना के खा चुके हैं, यह हमारा दूसरी बार बना रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था और 3 महीने तक हमने खाया था, ख़राब भी नहीं हुआ था। तो अभी देखिए इसमें मैं पैक करके रख दूँगी इस डिब्बे में, और डिब्बा थोड़ा बड़ा होना था क्योंकि इसको मतलब थोड़ा नीचे ऊपर करना पड़ता है ना। तो अभी फ़िलहाल में मैं इसमें रख दे रही हूँ, बाद में मैं डिब्बे में दूसरा डिब्बा में रख दूँगी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए हमने दबा दबा के इस डिब्बे में सारा अचार को डाल दी हूँ। ये देखिए फ्रेंड, तो हमारा अचार कैसा लगा आप सबको? जिसको जिसको पसंद लगे अचार, वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस तरह से अचार बनाते हैं। ये देखिए अब मैं ऊपर से वही बचा हुआ तेल डाल रही हूँ जो करेली तली थी। तो ये देखिए अब मैं इसे बंद करके रख दूंगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये देखिए अच्छा, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।